मेक इन इंडिया की तकनीक एक बार फिर भारत के साथ साथ विदेशों में भी अपनी धाक जमाने जा रही है और विदेश में भी ये एक्सपोर्ट होगी। आखिरकार क्या है ये मेक इन इंडिया की टेक्नोलॉजी? न्यूज 18 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, खास तस्वीर आप देखेंगे। देखिए, फेस कंट्रोल मॉड्यूल, जो मिसाइल का दिमाग, हम जिसको कहते हैं मिसाइल का दिमाग, वो जो भारत में बनता है, अब यह विदेशों में भी जाएगा। और सबसे पहले हम आपको समझाते हैं आखिरकार फेस कंट्रोल मॉड्यूल होता क्या है। तो देखिए, ये जो ये मिसाइल है, ये मिसाइल सिस्टम है और ये इसके मिसाइल के वॉरहेड्स हैं। जैसे अलग अलग जो मिसाइल है, आकाश है, पीजीएडी है, रुद्रम है, कि QRSM अस्त्र है, ये हमारे देश में अलग अलग जगह पे अलग अलग जो मिसाइल सिस्टम है वो लॉन्च होते हैं। अब ये मिसाइल सिस्टम गाइड किससे होते हैं? ये मिसाइल सिस्टम गाइड होते हैं रडार से। और इस रडार में अगर आप ये तस्वीरें देखें तो ये सी बैंड है और एक्स बैंड एरे है, और इनको जो ऑपरेट करता है मिसाइल सिस्टम को सिग्नल देने वाला यंत्र PCM है, फेस कंट्रोल मॉड्यूल। फेस कंट्रोल मॉड्यूल अब जो भारत के सरहदों की रक्षा करता था, अब भारत उन्हीं इसी तकनीक को अब विदेशों को भी यहां पर एक्सपोर्ट करेगा, जिसमें जो प्रमुख देश हैं पोलैंड, आर्मेनिया और यहां तक कि वियतनाम ने भी इसमें इंटरेस्ट दिखाया। क्यों वियतनाम ने इंटरेस्ट दिखाया? भारतीय तकनीक पर भरोसा दिखाया। चीन के साथ वियतनाम के रिश्ते जग जाहिर है, लेकिन अब भारतीय तकनीक का वो सहारा ले रहा है। इससे पहले समुद्री सीमाओं की सरहदों की रक्षा करने के लिए वियतनाम ने भारतीय तकनीक का सहयोग मांगा था, और अब फेस कंट्रोल मॉड्यूल, ये मॉड्यूल है, अब भारत की इस तकनीक का वियतनाम भी इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। तो क्या ये तकनीक है, पूरी कैसी तकनीक काम करती है, हम आपको सिलसिलेवार तरीके से न्यूज 18 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको बताएंगे। देखिए, ये जो प्रोडक्ट है फेस कंट्रोल मॉड्यूल, ये होता है और ये रडार्स में जैसे ये जो रेस जाती हैं उनको ये हेल्प करता है, और हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि कैसे ये प्रोडक्ट बनता है और अब भारत के साथ साथ विदेशों में जाएगा। पाउडर से लेकर ये जो फाइनल प्रोडक्ट है, आप यहां पर देख सकते हैं फाइनल प्रोडक्ट है, ये बनता है, और इसमें करीब 80 से 100 स्टेप हैं, कदम हैं। एक ये अलग अलग तरीके के पाउडर हैं, पाउडर का प्रोसेस होता है, उसके बाद इनको आकार दिया जाता है, उसके बाद ये फाइनल शेप बनता है। जब ये फाइनल फेज बनता है तो रडार सिस्टम के भीतर ये पूरा कंपोनेंट लगता है, और एक रडार सिस्टम में करीब 4000 से लेकर 5000 तक के का फेस कंट्रोल मॉड्यूल है। हमारे साथ क्वालिटी ऑफिसर हैं, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की जो क्वालिटी ऑफिसर हैं, भावना जी ये बताइए, भारत के लिए ये तकनीक तो थी महत्वपूर्ण, अब विदेशों में कैसे इसकी धाक जमेगी? ये पहले एक्चुअली मैकेनिकल रडार्स थे जो यूज होते थे, अब ये फेज जरे रडार है जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसका इस्तेमाल करके दूसरे जो कंट्री हैं वो इसके रडार्स को यूज कर पाएंगे। जरा मैं समझाएंगे तस्वीरों के जरिए। ये फेज जरे रडार है, जब हम इसको एनर्जाइज करते हैं, सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, तो इससे बीम जनरेट होती है जो कि ट्रेवल करती है, और जो ऑब्जेक्ट उसको मिलता है उससे रिफ्लेक्ट होके वापस आती है। उससे हमें जो ऑब्जेक्ट है वो एनिमी का जो ऑब्जेक्ट है, फ्लाइंग है या मिसाइल है, उसकी लोकेशन का पता चलता है। लोकेशन लॉक करने के बाद फिर जो हमारा गाइडिंग सिस्टम है, जो मिसाइल गाइडिंग सिस्टम है जो कि एक्सबैंड एरे है, वो मिसाइल को गाइड करता है जो हमारा ऑब्जेक्ट है, एनिमी ऑब्जेक्ट है, उसको हिट करने के। अच्छा, ये बताइए कि एक ये जो फेस कंट्रोल मॉड्यूल है, ये एक मिसाइल सिस्टम में कितना लगता है? ये करीब 5000 पीसेस लगते हैं, 5000 के करीब, जिसमें 4000 के आसपास सी बैंड है और 1000 के आसपास एक्स बैंड है। कितने प्रोसेस इसमें, कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें? अगर आप पाउडर से देखेंगे तो करीब 80-100 स्टेप्स हैं अलग अलग स्टेजेस में जो हम करते हैं, 80 से लेकर 100 तक। हाँ जी, तो देखिए ये अलग अलग स्टेप है। न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखेंगे, हम आपको सिलसिलेवार तरीके से एक एक कदम बताएंगे कि कैसे ये सिस्टम बनता है, और अब भारत के बाद विदेशी देशों ने क्यों इसमें रुचि दिखाई है। फेस कंट्रोल मॉड्यूल जो बनाते हैं उसमें सबसे अहम कदम है पाउडर। पाउडर से लेकर जो अंत तक 80 स्टेप को पार करते हुए प्रोडक्ट बनता है, तो उसमें पाउडर की क्या भूमिका रहती है, हम आपको तस्वीरों के जरिए समझाते हैं। देखिए, इन पाउडर को शेप देने की प्रक्रिया की जा रही है, बहुत शोर है यहाँ पर, और ये जो पाउडर जो बनते हैं इनसे फिर आगे सिग्नल को ट्रांसमिट करने का जो काम है वो है। हमारे साथ अयूम है, टेक्निकल मैनेजर है,
ये बताइए ये पाउडर सिग्नलिंग के लिए कैसे महत्वपूर्ण होगा? एक्चुअली जो हमारा फेस कंट्रोल मॉड्यूल होती है उसका वन ऑफ द क्या मतलब मैं बोलूँगा एकदम हार्टी होती है ये हमारा फेराइट पाउडर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारा रॉ मटेरियल वगैरह होती है उसको पहले हम पानी के जरिए मिक्स करके फिर इसको सुखाते हैं यहाँ पे। फिर ये जो सूखने के बाद इसका जो पाउडर बनती है इसको फिर हम अलग अलग शेप देते हैं, जो कि हमारा ये यहाँ पे दो तीन मशीन है। जैसे यहाँ पे ये इसमें पहले फिलअप किया जाता है, इसमें फिलअप करने के बाद इसको ऐसे शेप में दिया जाता है। ऐसे शेप में देने के बाद फिर हमारा एक प्रेस मशीन है जो कि उस कॉर्नर में। देखिए जो एक पर्टिकुलर पाउडर को इकट्ठा करने के बाद जो शेप में दिया जाता है कहाँ पे है ये शेप? ये है हमारा प्रेस मशीन। तो वो पाउडर को कॉम्पैक्ट बनाने के लिए ये वाला प्रेस मशीन यूज किया जाता है। और यहाँ पे दो तरीके का शेप बनती है, एक तो ये हमारा राउंड शेप बनती है जो कि हम पीसीएम का जो हम बोलते हैं हार्ट है इसको कहते हैं रॉड। तो ये हमारा एक राउंड शेप बनती है और एक हमारे उधर रखा हुआ है वो जो ब्लॉक फॉर्म में है। आइए दिखाइए, ये है हमारा ब्लॉक फॉर्म, इसको कहते हैं योक। तो यहाँ पे ये दो चीज बनती है, मतलब मेन जो पाउडर से जो हम यहाँ पे बनाते हैं ये दो चीज को बनाते हैं। रॉड में तार फिट करने के बाद असेंबलिंग जो प्रोसेस होता है वो होता है, और जब असेंबलिंग प्रोसेस में अलग अलग तकनीक के जरिए उसको टेस्ट किया जाता है, और जब तैयार होता है पूरा मॉड्यूल तो पूरा जो पीसीएम प्रोडक्ट होता है वो इस तरीके का होता है। आखिरकार इस रॉड से ऐसे ये किस तरीके से बना, हमारे साथ एक मौजूद हैं तिवारी जी, हम इनसे बात करते। सर ये बताइए, अपने आप इन दोनों को दिखा के आप बताइए कि यहाँ से यहाँ तक की यात्रा कैसे पहुँची? सर जैसा दिखाया कि इसमें सिल्वर की कोटिंग करने के बाद इसमें मैचिंग एलिमेंट्स होते हैं जिनको कि हम डायलेक्ट्रिक मटेरियल से बनाते हैं, और इनको इस रॉड के दोनों सिरों पर एडेसिव के थ्रू चिपकाते हैं सो दैट कि मैचिंग एलिमेंट जो है वो फेराइट रॉड के साथ में मैच कर सके इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। उसके बाद इसके ऊपर क्वायल और योक की असेंबली करते हैं, और इसके जो भी डिजायरेबल प्रॉपर्टीज हैं वो हम चेक करने के लिए आगे सिस्टम पर इसको चेक करते हैं। देखिए बेहद विस्तृत क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। देखिए ये तस्वीरें में भारत के जो साइंटिस्ट हैं, ये तकनीकी क्षेत्र में कुशल लोग हैं, ये लगातार दिन रात इसमें लगे रहते हैं। खास बात ये है कि पहले इसका जो है कि सिर्फ प्रोडक्शन होता था, लेकिन अब भारतीय सिस्टम के जरिए यहाँ पर इसकी सप्लाई करने की भी इसकी क्षमता बढ़ाई जा रही है। पहले 2 से 3 फेस कंट्रोल सिस्टम की का प्रोडक्शन होता था, लेकिन 2022 से करीब 12 फेस कंट्रोल मॉड्यूल जो है वो प्रोड्यूस होता है। वहां जब रॉड बनने के बाद बकायदा हर रॉड की इसी तरीके से कंप्यूटर के जो लैब में टेस्टिंग होती है। सर ये क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? सर एक्स वेंड की पीजेटी हो रही है हमारी, 9.9 गीगाहर्ट्ज़ से 9.5 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी पे हम टेस्टिंग चल रही है इस टाइम। हर मॉड्यूल है उसका बकायदा टेस्टिंग होता है। हमने आपको बताया कि एक्स बैंड प्रोड्यूस करने वाला, उस फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस करने वाला भारत चुनिंदा देशों में से एक है, और यहां पर इस न्यूज 18 इंडिया पर ये खास तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कैसे अब भारत की इस तकनीक का लोहा पूरा विश्व मान रहा है और कैसे दुश्मनों को उन्हीं के अंदाज में दिया जाएगा जवाब। बकायदा परीक्षण करने के बाद, कंप्यूटर से टेस्टिंग करने के बाद पीसीएम जो मॉड्यूल है अब उसमें हाइब्रिड चिप को यहां पर फिट किया जा रहा है। देखिए भारतीय तकनीक के ये जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं कितनी तत्परता से यहां पर ये हाइब्रिड जो चिप है इस फेस कंट्रोल मॉड्यूल में फिट कर रहे हैं। देखिए अभी तक हमने आपको दिखाया था कि कैसे ये बनके तैयार हुई है, पीसीएम डिवाइस है वो बनके तैयार हुई है। अब इसके बनने के बाद यहां पर इसमें जो हाइब्रिड चिप है उसको इसमें लगाया जाएगा। कैसे ये पूरी प्रक्रिया अंजाम होती है हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए जब ये बनकर आएगा, कैमरा पर्सन करम सिंह हमें ये तस्वीरें, खास तस्वीरें दिखा रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। देखिए जब हाइब्रिड जो चिप है वो इस पीसीएम सिस्टम में जब ये लग जाती है तो इस तरीके से इकट्ठा होता है, और इसके बाद ये अलग अलग तरीके से एक रडार सिस्टम में करीब 4 से 5 हजार सिस्टम होंगे। भावना जी से हम दोबारा बात करते हैं। भावना जी ये बताइए कि इस प्रोसेस की ये चिप और
इसकी इस दोनों सिस्टम की अलग अलग अहमियत क्या है? ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा फेज कंट्रोल मॉड्यूल है, इसमें दो पार्ट हैं। ये इसका जो ऊपर आप देख रहे हैं हाइब्रिड ड्राइवर, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है और ये इसका मैकेनिकल पार्ट है। ये दोनों इनकम्प्लीट हैं अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे नहीं, अगर कंबाइन नहीं करें। इलेक्ट्रिकल पार्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सारा ड्राइव ये इलेक्ट्रिकल के थ्रू होता है। इसमें आप ये देख रहे हैं आईसी, हमारी स्पेशल आईसी है जो हम स्पेसिफिकली इसी पर्पज के लिए डिजाइन की गई है। बहुत अहम चीज ये बोल रही है, देखिए सिर्फ इसी डिवाइस के लिए इस सिस्टम को डेवलप किया गया है। मैडम क्या क्या दिक्कतें आई, किस सोच के साथ इस चिप को, विशेष चिप को इसमें लगाने के लिए डेवलप किया गया? सारा काम इस चिप का ही है, इसमें जो भी इसका प्रोग्राम है या जो भी इसके जिस प्रोसेस को ये फॉलो करता है, जो हमारा अल्टीमेट जो इसका वर्किंग है वो सारा इस चिप के थ्रू होता है। तो अगर ये इस चिप को शुरू में बनाने में हमें काफी प्रॉब्लम्स आई, बहुत R&D रही है इसकी इनिशियल लेवल पे, जहाँ हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे LRD है और SSPL है जो हमारे साथ इन्वॉल्व थे, IIT दिल्ली है जिनके साथ हमने इस पूरे इसको डेवलप किया, तो उन सबका इन्वॉल्वमेंट इसके R&D में रहा इनिशियल लेवल पे। फिर धीरे धीरे इसको डेवलप किया और फिर हम इसको अब आके हम इसे पूरा प्रोडक्ट भारतीय जरूरत के हिसाब से मेक इन इंडिया की एक्सक्लूसिव तस्वीर आप ये न्यूज 18 इंडिया पर आप देख सकते हैं। ये चिप विकसित की गई है इस PCM फेस कंट्रोल मॉड्यूल सिस्टम के लिए और जो एक्स बैंड यहां पर डेवलप करेगी, यही नहीं एक्स बैंड ही नहीं सी बैंड को भी डेवलप करने की, विकसित करने की तकनीक यहां पर है। सी बैंड और एक्स बैंड में क्या अंतर होता है? ये दोनों अलग अलग फ्रिक्वेंसी बैंड हैं। अगर आप माइक्रोवेव में देखेंगे तो फ्रिक्वेंसी बैंड होती है, सी बैंड है गीगाहर्ट्ज, दोनों ही गीगाहर्ट्ज रेंज है। ये सी बैंड है जो 4 to 8 होता है और ये एक्स बैंड है जो 8 to 12 रेंज गीगाहर्ट्ज की रेंज है। तो अभी तक हम आपको चार चरण दिखा चुके हैं जिसमें करीब 50 से 60 स्टेप्स हैं, जब पाउडर से लेकर जो अंततः जो प्रोडक्ट बनता है फेस कंट्रोल मॉड्यूल जो सिस्टम बनता है वो किस तरीके से शेप में आया, तो ये एक चौथा चरण है। पांचवा और अंतिम चरण हम आपको दिखाएंगे कि क्या मूर्त रूप वह रडार सिस्टम में लेता है।